हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको नॉर्थ ईस्ट मेघालय ले जा रही हूँ, धनबाद से बाय रोड। धनबाद से मेघालय का डिस्टेंस जो है वो 986 किलोमीटर बाय रोड है, जो कि जाने में हम लोगों को 2 दिन का टाइम लग गया था, क्योंकि हम लोगों ने श्रीरामपुर एक जगह है वहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया था। तो चलिए आज मैं आपको मेघालय ले चलती हूँ। जैसा कि नाम है मेघों का शहर, मैं आपको बादल ही बादल दिखाऊंगी। उसके बाद मैं शिलोंग जाऊंगी। शिलोंग में आपका फिर चेरापुंजी जाऊंगी, जो कि पूरी दुनिया का सबसे वेट स्थान कहलाता है, वेट प्लेस कहलाता है। मैं वहाँ ले जाऊंगी जहाँ पे कि सालों भर 24 घंटा बारिश होता है, मैं वो सब दिखाऊंगी। तो आप मेरे ब्लॉग्स पे बने रहे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं तुम आपको दिखाने वाली हूँ। लिविंग रूट दिखाऊंगी, लिविंग रूट ब्रिज दिखाऊंगी, जिसमें कि जो आपका प्लांट होता है, जो ट्री होता है, उसका जो रूट होता है ना, उससे एक ब्रिज बनता है। तो मैं आपको वो भी दिखाने वाली हूँ। बहुत सारे आपको मैं वाटरफॉल घुमाऊंगी, बहुत सारे वैली दिखाऊंगी। तो आप मेरे ब्लॉग पे बने रहे फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे ब्लॉग पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, अगर आपका मन करे तो। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू। सबसे पहले अभी हम लोग पहुँचे हैं सिलीगुड़ी में, जहाँ पे कि हम लोगों को पाइन एप्पल का बहुत सारा प्लांटेशन मिला। आप देखिए कितना सुंदर फ्रूट्स है। लॉन्ग में हम लोग सबसे पहले पहुँचे हैं ओमियम लेक की तरफ, जो कि बेहद ही खूबसूरत लेक है। तो चलिए मैं अभी आपको ओमियम लेक लेके चलती हूँ। चलिए फ्रेंड्स। यहाँ पे एक बोट का 1180 रुपये है और एक बोट में 10 लोग बैठ सकते हैं। बोट के साथ ही और 5 मिनट का राइड है, देख रहे हैं वहाँ पे। आपको पता है फ्रेंड्स, शिलोंग में ना एक लैचिलम विलेज है, बेहद ही सुंदर है, जहाँ पे कि स्मिथ वैली भी है, जहाँ पे कि वो वैली बहुत ही सुंदर है, जहाँ पे कि बहुत स्काई जो है ना बिल्कुल ही नीचे है, मतलब मेघ मतलब बादल जो बहुत ही नीचे है। तो अभी मैं आपको वहीं ले चलती हूँ। चलिए आप खुद अपने आँखों से देख लीजिए कि कितना सुंदर स्मिथ वैली है। तो आप देखिए ये रोड कितना सुंदर है ना शिलोंग का, मतलब बहुत ही इन्वायरमेंट बिल्कुल ही फ्रेश है, कोई मतलब भीड़ भड़क्का नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है। आप नॉर्थ ईस्ट ज़रूर से ज़रूर विजिट करें। अगर आपको ट्रैफिक नहीं पसंद है तो, शांति चाहिए तो और सीनरी चाहिए तो बहुत सुंदर है ये जगह।
स्मिथ वैली, उसी में लैटलम विलेज है जो एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज माना जाता है, लैटलम विलेज। देखें पूरा बादल, बादलों के ऊपर है हम लोग भी। देखिए अब वैली का व्यू। फ्रेंड्स मैं आज आपको लैटिलम विलेज जो कि आपका शिलोंग में ही है वहाँ ले चलती हूँ। तो लैटिलम विलेज में ही आपका आगे चलने के बाद हम लोगों को ये स्मिथ वैली मिला जो बेहद ही खूबसूरत। आप देखिए चारों तरफ से पहाड़ है और बीच में खाई है। आप देखिए बादल, जैसे कि नाम है मेघालय, बादलों का शहर है ये, और ये बीच में खाई दिख रहा है आपको, यही है आपका स्मिथ वैली जो बेहद ही खूबसूरत है। बट बहुत नज़दीक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही डेंजरस है और कभी कभी बादल जिसको इतना ढक लेता है कि ये स्मिथ वैली दिखता भी नहीं है। तभी हम लोगों का लक अच्छा है कि स्मिथ वैली दिख रहा है। फ्रेंड्स ये बादल नीचे से ऊपर आ रहे हैं, नहीं है जो आप देख रहे हैं बादल है। वाटरफॉल वो भी देखिए पहाड़ में, पहाड़ों के बीच में वाटरफॉल्स, यहाँ भी वाटरफॉल है। देखिए पूरे बादल आ गए, अब तो पूरे बादल आ गए हैं। देखिए एंड पॉइंट है, उसके आगे नहीं है कुछ। उसके आगे पूरी गहरी खाई है। चेरापुंजी जाने के रास्ते में हम लोग को बहुत ही सुंदर सा एक व्यू पॉइंट मिला फ्रेंड्स, जो बहुत ही सुंदर था। तो इस सीढ़ी से हम लोग नीचे की ओर गए, हम तो नहीं गए, निक्की जा रहा है अभी। तो फिर थोड़ा दूर तो मैं भी गई, तो बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है। वाटरफॉल बहुत भयानक है बट थोड़ा डेंजर लग रहा था, तो जिसकी वजह से मैं निक्की को आवाज़ दे रही थी। ये बहुत नीचे तक ये व्यू पॉइंट है, बहुत नीचे तक है। अब हम लोग चलते हैं दुनिया का सबसे वेट प्लेस चेरापुंजी की ओर, और आप देख सकते हैं रास्ता कितना सुंदर है। मौसम देखिए आप, बिल्कुल जैसे कि नाम है चेरापुंजी, आपको चारों तरफ बादल ही बादल नज़र आएगा, बारिश ही बारिश नज़र आएगा। मौसम तो बेहद ही खूबसूरत है। व्हीकल के नाम पे बस एक वो सामने में एक व्हीकल, एक हम लोग है। ट्रैफिक का कोई टेंशन ही नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही सुंदर है। हाँ, लेकिन जब भी आप चेरापुंजी आएँ तो आप एक्स्ट्रा कपड़ा, एक्स्ट्रा जोड़ा जूता ज़रूर से ज़रूर लेकर के आएँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको न्यू ब्लॉग्स में वह कबा वाटरफॉल जरूर दिखाऊंगी, तो मेरे ब्लॉग्स पे आप बने रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। तो अभी हम लोग चलते हैं डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज की तरफ, चलिए। फ्रेंड्स अभी हम लोग चेरापुंजी में हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं डबल डेकर लिविंग रोड ब्रिज जा रहे हैं।
यहाँ रास्ता का व्यू देखिए, चारों तरफ बादल ही बादल है, आगे का कुछ भी दिख नहीं रहा है। आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं वो ना बिल्कुल ही आपका खाई है, और बारिश तुरंत तुरंत ही बारिश हो रहा है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको डबल डेकर लिविंग रोड ब्रिज पहुँच के आपको फिर से अपडेट देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे पहुँचने के लिए भी हम लोगों को ट्रैकिंग करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आप इंजॉय करो रास्ता को, मैं भी इंजॉय करती हूँ। थैंक यू। तो हम लोग डबल डेकल लिविंग रोड ब्रिज की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग को 4000 स्टेप जो है हम लोग को ट्रैकिंग करते हुए डाउन की तरफ जाना है, फिर वापस 4000 ऊपर की हुई और भी आना है। तो मैं अप एंड डाउन दोनों है, और मैं अभी आप व्यू एंजॉय करो। तो अब व्यू देखिए, तो फिर हम लोग को थोड़ा चलने के बाद हम लोग को रास्ते में ही, मतलब वही ट्रैकिंग के रूट में ही हम लोग को एक लोकल कॉफ़ी हाउस मिला, यहाँ चाय का दुकान मिला। तभी हम लोग यहाँ पे बैठ के पहले चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, और फिर उसके आगे फिर मैं आपको व्यू दिखाऊंगी। तो अभी मैं चाय का वेट कर रही हूँ। दो साइड हो जाता है, उसके बाद एक साइड सिंगल ब्रिज है, एक साइड डबल डेकर ब्रिज में जाना है। हम लोग डबल डेकर ब्रिज के रास्ते में आए, देखो वहाँ पे देखिए क्या मस्त वाटरफॉल्स हैं, का व्यू। हाथ ऊपर देखिए व्यू, वाटरफॉल भी उधर, पहाड़ों भी पूरा। हाँ शायद ये ब्रिज कैसे हो रहा है, दो घंटे के विवरण सुन रहे हैं मेरे बीच से। आप चढ़ाई पे अभी तो पहुँचे नहीं हम लोग, बस हमारी थोड़ी देर और ठहर जा, देखो जाने तो थोड़ी देर और ठहर जा। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के पास। बेहद खूबसूरत ये ब्रिज है यार, आप ये देखिए बनियान ट्री जो है उसके रूट से, उसके जड़ से ये ब्रिज बनाया गया, बहुत ही यूनिक है ये। तो ये चीज़ आपको चेरापूंजी में ही देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, आप इंजॉय करो। ब्रिज पर मैक्सिमम ऑफ 10 मिनट से अधिक टाइम ले सकते हैं, 10 मिनट के बाद से आपको इस ब्रिज को करना पड़ेगा। अभी मैं जा रही हूँ इस ब्रिज के ऊपर, मैं कुछ फोटोस वगैरह कर लूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर। अभी हमको उधर पीछे जाना, वो देखो वो रहा है, वो दिख रहा है,
वहाँ ब्रिज है, डबल डेकर ब्रिज, उनको यहाँ से घूम के जाना है। पानी की स्पीड देखी, हाँ जा वहीं पे छोटा वाटरफॉल है, छोटा सा, वहाँ देखा था बड़ा वाटरफॉल था। हाल खराब हो रही चेन्नई में, देखिए कि मेघालय कितना सुंदर है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेघों के शहर को कहते हैं मेघालय। बेहद ही खूबसूरत जगह है ये मेघालय, बहुत सुंदर। आप देखिए क्या मस्त वैली है, चेरापुंजी में ये बहुत सुंदर सा दृश्य है। चारों तरफ आपको बादल जैसा दिखेगा, ग्रीनरी बहुत अधिक है। तो हम लोग अभी चूंकि दिसंबर में आए हुए हैं, नेक्स्ट हम लोग लास्ट ईयर आए हुए थे, तो अब व्यू देखिए, बारिश का मौसम यहाँ पे 24 घंटा बारिश होते ही रहता है, जैसा कि नाम है चेरापुंजी उसी तरह। आपको कैसा लगा ये मेघालय और चेरापुंजी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल पे आप बने रहे। मैं और बहुत जल्द ही मेघालय का नेक्स्ट ब्लॉग भी डालने वाली हूँ, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा मेघालय। थैंक यू फ्रेंड्स, है ना। हाँ बादल वापस आ गए, नहीं किसी तो बोल रहे ऊपर भी फोटो नहीं खींच पाएंगे। चलो ना, हो गया बोलिए कुछ। हम लोग अभी चेरापुंजी से शिलोंग की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ता आप देखिए, मतलब वो बहुत ही मनमोहक का रास्ता है। आई मीन कि सुबह से तो वेदर बिल्कुल खराब ही कर दिया था, जिसकी वजह से हमारा हर एक स्पॉट जो है वो पोस्टपोन कैंसिल ही हो गया। फाइनली हम लोग एक कौन सा गार्डन गए थे, एक केव गए थे, गार्डन ऑफ केव्स गए थे, वो वहाँ पे तो हम लोग एक विजिट कर पाए। और वापस अब हम लोगों ने प्लान किया है कि अब यहाँ पे रुकने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि चेरापुंजी में 24 घंटा बारिश ही हो रहा है। तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि अब हम लोगों को शिलोंग की ओर निकलना चाहिए। शिलोंग के रास्ते में एक कैफे जहाँ पे ये आंटी बहुत ही अच्छा चाय बनाती है, और इस चाय की वजह से हम लोग यहाँ पे वापस रुके हैं उनकी चाय के लिए। तो वापस हम लोग शिलोंग के चलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।